अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हेलो एवरीवन, हम आज कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने लास्ट वीक पे मार्केट पे इम्पैक्ट किया हो या आने वाले वीक पे मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम आज के वीडियो में जो स्टॉक्स कवर करेंगे वो है एक्सिस बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, L&T और ITC। इन सब का मार्केट पे क्या असर होगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेंगे, देखते हैं अगले 10 मिनट में। हमारा पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है। एक्सिस बैंक ने ट्यूसडे यानी 21 जुलाई को उसका Q1 रिजल्ट्स डिक्लेयर किया। इस रिजल्ट्स में बैंक का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस से 18.8% से डिक्लाइन हुआ है टू 1112 करोर्स। उसके सामने नेट इंटरेस्ट इनकम 19.5% से ग्रो हुआ है। बैंक ने कहा है कि इस करंट क्राइसिस के वजह से उन्होंने इंक्रीमेंटल प्रोविजंस किए ऑफ 733 करोर्स। बैंक का एसेट क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है क्योंकि इस क्वार्टर का जो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA था यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो 4.72% है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.25% था। बैंक की फी इनकम में 38% का फॉल आया है लोअर बिजनेस वॉल्यूम्स के वजह से। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स का मार्केट पे काफ़ी मिक्स्ड असर था क्योंकि अगले दिन यानी 22 जुलाई को एक्सिस बैंक 7% गैप अप ओपन हुआ था और पूरे दिन की यूज वॉलेटिलिटी के बाद वापस ओपनिंग प्राइस पर ही एंड ऑफ द डे में क्लोज हो गया था। रिजल्ट्स के बाद एक्सिस बैंक के प्राइसेस गिरते चले आ रहे हैं और फ्राइडे 24 जुलाई को 445.6 रुपीस पर शेयर प्राइस क्लोज हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो वापस और एक डील के वजह से न्यूज में हेडलाइंस बना रहा है। एज पर सोर्सेस, अमेरिकन ई कॉमर्स जायंट Amazon रिलायंस रिटेल में 9.9% स्टेक अक्वायर करने के डिस्कशंस में है। अप्रैल 2020 से रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स जैसे फेसबुक, गूगल, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक को अराउंड 33% स्टेक सेल करके ओवर $20 बिलियन का फंड रेज किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिसेंटली एक ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस जियो मार्ट लॉन्च किया है, जो पूरे इंडिया में ओवर 200 लोकेशंस में स्प्रेड हो चुका है। AGM में मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो मार्ट में एक दिन में 2.5 लाख ऑर्डर्स आते हैं, जिसका नंबर डेली बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक रिकॉर्ड हाई पे है जो 14 लाख करोर्स है और रिसेंटली एक्सॉन मोबिल को ओवरटेक करके रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी दुनिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी है। रिलायंस उसके Q1 रिजल्ट्स 24 जुलाई को डिक्लेयर करने वाले थे, जो अभी पोस्टपोन होके 30 जुलाई को Q1 रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा। रिलायंस ने फ्राइडे यानी 24 जुलाई को एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया और 2146.15 पे क्लोज हो गया। हमारा अगला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसने सैटरडे 25 जुलाई को उसका Q1 रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है। ICICI बैंक ने इस रिजल्ट्स में 36.2% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है एट 2599 करोर, जो पिछले साल के इस क्वार्टर में 1908 करोर्स था। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम भी 19.9% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो अभी 9279 करोर्स है। बैंक ने जून में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में 3.9% स्टेक सेल किया फॉर 2250 करोर्स और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में 1.5% स्टेक सेल किया फॉर 840 करोर्स, जिसके वजह से उसके रेवेन्यू में भी एक बूस्ट आ गया। इस करंट क्राइसिस के वजह से ICICI बैंक ने 5550 करोर्स के एडिशनल प्रोविजंस बुक किए हैं। इस प्रोविजंस के पीछे का ऑब्जेक्टिव यह है कि इस क्राइसिस का टोटल इफेक्ट बैलेंस शीट में फैक्टर इन हो जाए। पास्ट 4 मंथ से ICICI बैंक एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है,
सो अब एक डिसिसिव मोमेंट एक्सपेक्टेड है सिंस उसका क्वार्टर वन रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुका है। ICICI बैंक का शेयर प्राइस फ्राइडे 24 जुलाई को 381.8 रुपीस पे क्लोज हुआ है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एक इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लार्सन एंड टूब्रो। L&T ने वेडनेसडे 22 जुलाई को उसके क्वार्टर वन रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और इस रिजल्ट्स में 68.73% ईयर ऑन ईयर फॉल रिपोर्ट किया है उसके नेट प्रॉफिट में, जो अभी 536.88 करोर्स है। L&T ने इनकम में भी एक 27% का ड्रॉप रिपोर्ट किया है, जो अभी 22,037 करोर्स है। L&T के मैनेजमेंट ने कहा है कि इस लॉकडाउन के वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में उसे बहुत बड़ा चैलेंज फेस हुआ है, क्योंकि सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो सारे होम टाउन चले गए हैं। इस नेशन वाइड लॉकडाउन के वजह से भी रेवेन्यू में काफ़ी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हॉल्ट पे आ गए हैं, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स और सप्लाई चेन में डिसरप्शंस के वजह से उनके रेवेन्यूज़ को सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। रिजल्ट्स के बाद लार्सन एंड टूब्रो के शेयर प्राइस कंटिन्यूसली फॉल होते जा रहे हैं और फ्राइडे 24 जुलाई को 904.4 रुपीज़ पर शेयर प्राइस क्लोज हो गया। हमारा अगला स्टॉक एक FMCG जायंट है, ITC लिमिटेड। ITC ने फ्राइडे 24 जुलाई को पोस्ट मार्केट आवर्स में उसका Q1 रिजल्ट्स डिक्लेयर किया। ITC के जून क्वार्टर के स्टैंड अलोन प्रॉफिट में 26.18% का फॉल आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो अभी 2,342 करोर्स है। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 17.39% का डिप आया है, जो अभी 9,501 करोर है। कंपनी के सेल ऑफ सिगरेट से जो रेवेन्यू हुआ है वो 3,853 करोर्स है, जबकि FMCG का जो टोटल रेवेन्यू है वो 7,228 करोर्स है। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि सेल ऑफ सिगरेट से जो रेवेन्यू है वो टोटल FMCG रेवेन्यू का 50% से भी ज़्यादा वेटेज देता है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स मिड मई से रिज्यूम हो चुके हैं और अभी वापस सारे यूनिट्स स्केल अप होके प्री क्राइसिस लेवल के ऑपरेशंस पर पहुंच चुके हैं। ITC के सारे सेगमेंट्स में से होटल सेगमेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और उसमें 94.4% का फॉल आया है रेवेन्यू में, जो अभी 22 करोर्स है। और उसके बाद सेकंड अफेक्टेड सेगमेंट है पेपर बोर्ड सेगमेंट, जिसमें 32.8% का डिक्लाइन आया है और 1,026 करोर्स का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। ITC के शेयर प्राइस फ्राइडे 24 जुलाई को 199.6 रुपीस पे क्लोज हुआ है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये था कुछ स्टॉक के एनालिसिस इस वीकली रैपअप में। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो या आपको कुछ फायदा हुआ हो तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।